आज हम कद्दू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाना बताएंगे, जिसे कद्दू को खाना कोई पसंद करता नहीं है फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाएंगे तो सभी को पसंद आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने आधा किलो जैसे कद्दू लिया है, जिसे छिलका उतार कर धो के अच्छे से पीसेस में कट कर लिया है। और उसके बाद फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। और तड़का के लिए मैंने एक स्लाइस में कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और जीरा को फ्राई कर लिया है, जैसे ब्राउन हो गया ना, गोल्डन ब्राउन। उसके बाद हमने कद्दू को काट के रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। फिर सभी तरफ को हम चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए, भूनने के लिए छोड़ देंगे। देखिए उसके बाद कद्दू जो है कितना मस्त फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। उसके बाद इसे साइड में करते हुए हम इसमें 2 से 3 टमाटर डालेंगे कटा हुआ, और उसके ऊपर में, टमाटर के ऊपर में हम नमक छिड़क देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से और जल्दी कुक हो जाए। और जो बैंगन को हमने कद्दू को हमने साइड किया था ना, उसे उसके ऊपर में ढक देंगे ताकि टमाटर को अच्छे से भाप से पक जाए। और फिर देखेंगे तो देखिए टमाटर जो है आसानी से पक गए हैं, 50% है। तो उसके बाद इसमें हम आधा चम्मच जैसे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच जैसे मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जैसे धनिया पाउडर डालेंगे और इसको कर देंगे हम मिक्स। हम सिंपल कद्दू की सब्जी बनाना बता रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए चटपटा दिख रहा है, कितना मस्त देखने में, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार कद्दू की सब्जी को सूखा बना के तो देखिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आसान तरीके से भी बन जाता है। देखिए इसे चम्मच चलाते रहेंगे तो कद्दू का जो हल्दी मिर्च है अच्छे से पक जाएगा, टमाटर भी कुक हो गया है। देखिए इसे हम सूखा ऐसे ही खा सकते हैं। और उसके ऊपर में हम धनिया पत्ती डाल देंगे और उसको भी हम मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। देखिए सूखा में कितना मस्त दिख रहा है। उसके बाद इसमें हमने आधा गिलास जैसे पानी डाला है और पानी डालने के बाद मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। मैंने पानी डाल दिया है, पकने के लिए छोड़ देंगे इसे हम। अब गैस को कर देंगे बंद। देखिए बन के तैयार है कद्दू की सब्जी। आप इसे